हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम नीलू माझी। जदि आपण मानक मोर वीडियो भल लगे ताहले मोर एही लर्न इंग्लिश थ्रो ओडिया चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी उपरे क्लिक करूँ जहाँ फलरे मोर नुआ अपलोडेड वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइजिबे। वेलकम टू लर्न इंग्लिश थ्रो ओडिया चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज आम देखा स्ट्रक्चर वन। स्ट्रक्चर वन कौन? सब्जेक्ट प्लस क्यान प्लस वर्ब वन और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यही तीनो जिनस को नहीं आम बेसिकली आम जानचे गोटे ओडिया वाक्य को इंग्राजी परिणत करने को तीन टा जिनस दरकार। एस वी ओ, एस फॉर सब्जेक्ट, देन विल कम वर्ब, देन विल कम ऑब्जेक्ट। ए तीनो जिनस दरकार। तो आम बर्तमान आज देखा स्ट्रक्चर वन, सब्जेक्ट क्यान प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आम देखा क्यान, क्यान रो ओडिया अर्थ कौन? पारिबा बा पारिबी। तुम्हें इंग्राजी कही पार ए सेंटेंस रे। देखो सब्जेक्ट कौटा ना तुम्हें, पूर्व क्लास रे देखीजे सब्जेक्ट सबुदिन ओडिया वाक्य रो प्रथम आसे बा किए बा केउ माने बोली भर्ब को प्रश्न पचारे जो उत्तर आसे ताकु कह जाउछ सब्जेक्ट। सो ये ला तुम्हें हैला सब्जेक्ट। आ ओडिया वाक्य रो शेषरे आसे कोनो ना क्रिया, कही पारिबो भर्ब। देन ऑब्जेक्ट कौन कही पारिबो? जदि भर्ब को पचारिबा कौन ताहले जो उत्तर आसिबो कौन कही पारिबो? इंग्राजी, इंग्राजी पदटी होउछ ऑब्जेक्ट। तो एमिति ओडिया वाक्य रे कोन अछि? एस ओ वी अछि। आमे इंग्रजी रे ताकु कले सब्जेक्ट क्यान प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ए प्रकार भाव रे करबा। देखो तुम्हें इंग्रजी कहि परबो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। जदि आमे आकु नेगेटिव करबा तुम्हें इंग्रजी कहि परबो नाही तो एटे कोन क्यान रे नॉट लागि जिवो। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्रजी कही पार कि जदि प्रश्न पचार कि ताहले ए जो फास्ट सेंटेंस रो कैन टा आगु आसिले हेरी से कि हिजबो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्रजी कही पार कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्रजी कही पार कही पार कि कैन यू स्पीक इंग्लिश कि आउ गए वाक्य मध्य कही पार कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। देन आमे ताकु डबल एच वर्ड रे केमिति तयारी करबा, तुम्हें कौन कही पारिबो, व्हाट कैन यू स्पीक। ए प्रकार भाव आमे गोटे वाक्य को पांचटा वाक्य रे परिणत करी पारिबा आ पांच प्रकार इंग्रजी वाक्य कही पारिबा। ठीक से परे आउ गोटे एग्जांपल दिया गला। देखंतु सेमाने फुटबॉल खेली पारिबे, सेमाने होचे एटी सब्जेक्ट भर्ब वाक्य ओडिया वाक्य शेषरे जोडा रहला भर्ब कौन खेली पारे तो उत्तर आसुची फुटबॉल। ए फुटबॉल टी होची ऑब्जेक्ट। आम इंग्रजी कले कौन हम से फुटबॉल खेली पारे, दे कैन प्ले फुटबॉल। आम जब आपको नेगेटिव करिबा नाही लगे करिबा से फुटबॉल खेली पारे नाही, दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल। से फुटबॉल खेली पारे कि कैन डागु आसी जीवो, कैन दे प्ले फुटबॉल। सेमाने फुटबॉल खेली पारे नहीं कि कैंट दे प्ले फुटबॉल और कैन दे नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेमाने कौन खेली पारे, व्हाट कैन दे प्ले। ए प्रकार नेक्स्ट आम आउ गोटे उदाहरण देखा, तुम भाई गच्छ चढ़ी पारे, तुम भाई गच्छ चढ़ी पारे। तुम भाई एटा सब्जेक्ट कौन? तुम भाई भर चढ़ी पारे, ऑब्जेक्ट गच्छ। तो आम जब इंग्रजी को कह योर ब्रदर कैन क्लाइंब अप दि ट्री, सेमती नेगेटिव करवा ना लगे तुम भाई गच्छ चढ़ी पारे ना कैन नॉट लगे योर ब्रदर कैन नॉट क्लाइंब अप दि ट्री। ठीक से तुम भाई गच्छ चढ़ी पारे कि क्वेश्चन लगला ताहले कैन टी आगक आसी कैन योर ब्रदर क्लाइंब अप दि ट्री।
नेक्स्ट आउ गोटे प्रकार आम कही पार तुम आउ गोटे हूँ तुम भाई गच चढ़ी पारे ना कि क्यान योर ब्रदर क्लाइंब अफ दि ट्री कि आम आउ गोटे उपाय आम करन योर ब्रदर नट क्लाइंब अफ दि ट्री किए गच चढ़ी पार हु कैन क्लाइंब अफ दि ट्री ए प्रकार भाव कैन को लगे ओडिया रु इंग्रजी को वाक्य तैयारी करि परबा तुम्हें हिंदी कही पार कि कैन यू स्पीक हिंदी तुम्हें एठाक आसी पार कि कैन यू कम हियर मु खाई परबि नाही आई कांट ईट और आई कैन नॉट ईट से माने नदी रे पहरी पारे ना दे कैन नॉट स्विम इन द रिवर मो बापा चली पारे ना माय फादर कैंट वॉक ए प्रकार भाव आम कैन लगे पार अर्थ विभिन्न प्रकार सेंटेंस तैयारी कर सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब वन कैन पाखे सबुदिन वर्ब वन ही लगे।